झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रोड शो किया। इस दौरान वे खुले जिप्सी में हाथ जोड़कर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और लोगों से कहा कि भारी मतों से बेबी देवी को वोट देकर विजय बनावे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चौपर झारखंड कॉलेज के मैदान में उतरा, जहां से वे खुले जिप्सी में सवार होकर कुलगो होते हुए डुमरी इसरी बाजार, रांगामाटी, डुगडुगिया, निमिया घाट तक उनका रोड शो हुआ। इस दौरान वे लोगों से बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। मुख्यमंत्री के रोड शो में स्थानीय लोगों का मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर एवं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार चुनाव प्रसार पर जो कैंपेन है उनको लीड कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं तस्वीरें में साफ देख सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? वो तो हाँ, आप लोगों ने भी देखा, इसमें बोलने का क्या जरूरत है? सारा रिकॉर्डिंग देगा पुराना। आप लोग कैसा लगता है? नहीं, हम आप ही लोग कैसे सुनेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, आप लोग आकलन लगाइए और आप लोग को जो मन करता है वो छापिए, वो लिखिए और बताइए। वही मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल देखा गया। वही रोड शो के दौरान उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, हफीजुल अंसारी, उम्मीदवार बेबी देवी सहित विधायक अनूप सिंह व कई पूर्व विधायक व बड़े नेता मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान मौजूद थे। रैली में मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इंडिया गठबंधन और बेबी देवी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की है। वही रोड शो के बाद मुख्यमंत्री रांची के लिए रवाना हो गए। ये चुनाव हर उस शख्स के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भारतवर्ष में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के मूल्य को समझता है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत की जनता देश के संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण को रोकने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं है। यह चुनाव की जीत, इंडिया गठबंधन की जीत आने वाले चुनाव के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी। इस देश की आम जनता इस देश के संविधान में आस्था रखती है और संविधान को बदलने और तोड़ने मरोड़ने के हर प्रयास का मुंहतोड़ जवाब। डुमरी झारखंड आंदोलनों की धरती है और आंदोलन की धरती में तीर कमान कभी पराजित नहीं होती। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कोई भी उचित इरादे से किया हुआ संविधान संशोधन का हमारा संगठन, हमारी पार्टी और मैं स्वयं विरोध करता हूं और मैं यह मानता हूं कि देश में चली आ रही संवैधानिक परिपाटियों को बदलने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है।